कितने लोग जाने कि हम भी वो जाने कि परमेश्वर हमारी लाइफ में भी काम करे। कितने लोग चाहते हैं कि वो सब कुछ मैं जानूं और परमेश्वर मेरे साथ हो, परमेश्वर मेरे जीवन में भी वैसे ही काम करे जैसे सब लोगों के जीवन में काम किए। हालेलुया। मूसा ने कमांड की, पानी दो बार हो गया। पत्रस ने तबीता को कहा उठ, उठ के मरी। ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हो। हालेलुया। हर कोई चाहता है मेरे जीवन में बड़े काम हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4 उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। मेरी बात याद रखना, आपके लाइफ में ये जो मैं ले हैंड करूंगा ये आपको बरकत देगा, पर ये आपके साथ कुछ समय के लिए रहेगा, पर ये जो वचन है सर्वदा के लिए रहेगा। बिना वचन के आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। पहली बात, बिना वचन के आपकी लाइफ के मसले हल नहीं होंगे। बिना आपको हम स्वर्ग जाएंगे, बिना वचन के नहीं जाएंगे। ये आज इस चर्च में ये पॉट लगा हुआ है, ध्यान से देखें, ये लगा हुआ है। आज ये है, ये पुलपिट, ये वाला, ये स्टैंड है, रीडिंग स्टैंड ये है, आज ये स्पीकर है, आज ये, आज वो है। एक टाइम के बाद ये सब बदलना पड़ जाएगा, समझ आ रहा है। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, कल मेरी जगह मेरे बच्चे प्रचार करें, कोई और करेगा, मैं नहीं रहूंगा। शायद आप में से भी बहुत सारे रहेंगे मेरे बाद भी, शायद कुछ मेरे साथ या मुझसे पहले नहीं रहेंगे, पर एक चीज सर्वदा रहेगी, परमेश्वर का वचन। ये तुम सोचते हो कि हम बड़ी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता, नहीं सुनेगा। ये जो तुम सोचते हो कि हम बड़े उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सिर्फ इस वचन के द्वारा तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहेगा। भूल में मत रहना कि मैं 15 रोजे रखूंगा या मैं बहुत ज्यादा भूखे रहूंगा, मैं 20 दिन भूखे रहूंगा, 30 दिन, कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपको कह दिया। क्योंकि बिना वचन जो सर्वदा के लिए रहे, आज तुम भूखे रह रहे हो, कल तुम खाना खाओगे, आज तुम प्रार्थना करो और 2 घंटे के बाद तुम उठ जाओगे, पर वचन सर्वदा के लिए रहेगा। 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह वचन देकर गए हमें और आज भी हमारे पास है। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी, उसने कहा कि तुम अपने चेलों को कह रहे कि तुम सारे जगत में समाये ना होंगे लेकिन मेरा राज्य आ चुका होगा। मतलब कौन था? परमेश्वर का वचन। चेले ही तो है यीशु मसीह के, मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस, ये कौन है? यीशु मसीह के चेलों के नाम है। और ये जो पुस्तकें हैं जब तक जगत में पूरी तरह पहुंची भी नहीं होगी लेकिन परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। मैं भी इसी भूल में था, बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहुत सारे रोजे रखता हूँ, बताऊ सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बाइबल को जानना शुरू किया चर्च में बरकत होना शुरू हो गई। अगर आप चाहते हैं, मेरा एक ही मकसद है, मुझे चर्च में बरकत चाहिए, समझ आ रहे हैं? जो परमेश्वर के घर के लिए कुछ सोचेगा परमेश्वर उसके लिए कुछ सोचेगा। और हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे घर को क्यों ना देगा? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम प्रेयर लाइफ में कैसे बढ़े, बहुत सारे मेरी प्रेयर लाइफ के लिए प्रार्थना करो। क्या करोगे जब तुम 10 घंटे प्रेयर भी कर लिए? क्या कर लोगे? क्या होगा अगर तुम मजबूरी में 20 घंटे घुटने पर भी बैठ गए? बचाने वाला कौन है? बचा यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। यीशु मसीह तब प्रार्थना में और फास्टिंग में थे। क्या हुआ था? क्या हुआ था? शैतान आगे सामने खड़ा हो गया। यीशु मसीह को क्या कहता है? अभी थोड़ी देर पहले यीशु मसीह को जब बैप्टिज्म हुआ था, परमेश्वर पर आत्मा उतरा, और जब आत्मा उतरा तो स्वर्ग से आवाज आई, लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान आगे क्या कह रहा है? कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यार तूने सुना नहीं है, उसे सुन लिया है। एक बार मेरी याद रखना, जिस दिन आप ये कहते हो ए परमेश्वर आज से मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा, शैतान ने सुन लिया, याद रखना। शैतान सुन गया, अब शैतान को डर लग गया कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए, वो आपको उसी दिन से सताना ज्यादा शुरू कर देगा।
समझ रहे हैं? सुनो सुनो, उसी दिन वो सताना शुरू कर देगा जरा। और आपको क्या कर रहा है शैतान को यीशु मसीह ने किस चीज से उधर से दुड़ाया था पता है आपको? किस चीज से? मार नहीं सकते आप, क्योंकि परमेश्वर दे गया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही बात कही, लिखा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? नहीं कहा तुझे पता नहीं है? अभी परमेश्वर ने ऊपर से आवाज दी थी, यूहन्ना ने सुना, सबने सुना, तूने नहीं सुना? परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं, तूने नहीं सुना? ऐसा नहीं कहा, उसने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से शैतान को लगी मर्जी। कटरे लगा शैतान दो फाट में, समझ आ रहा है? दो बार तीन बार जितना आप वचन क्लेम करो उतनी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। शैतान कमजोर और आप तगड़े होने वाले। यशायाह में क्या लिखा है? कमजोर बल प्राप्त करेंगे, समझ आ रहा है? बेवकूफ बुद्धि को हासिल करेंगे और जो बूढ़ा है वो नया बल प्राप्त करेगा। किससे? वचन से। उसने कहा वचन पे, वचन को पढ़ने वाले या सुनाने वाले, मुझे अगर आप कहो, मैं एक चीज पहले कहता हूं, मैं तुम्हें सुनाने से पहले उस वचन को अपनी लाइफ में अमल करता हूं, क्योंकि मैं सुनाने से पहले फॉलो करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। यही मेरा विश्वास है। अगर मैं आपको सुना रहा हूं वचन, मैंने खुद एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि ये वचन सत्य है? पर वो सत्य है। सत्य क्या? ब्लैंक है, समझ रहे? ट्रूथ इज अ ब्लैंक। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? कि यहां लंगड़े चलते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यहां अंधे देखते हैं? क्या विश्वास करते हैं? यहां बहरे सुनते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या किसने जिंदा कलाम पे विश्वास किया? यदि तुमने उस पे कलाम के विश्वास किया तो मैं सही कह रहा हूं, मेरी जो दौड़ थी वो पूरी होने लगी है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया पर रोटी ना खिलाई, क्यों? क्योंकि तुम्हें भी सियाने नहीं, तुम बच्चे। आत्मिक बातों से मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि तुम बच्चे हो, अभी तुम शारीरिक हो। अब शारीरिक, हम शारीरिक नहीं है सर। क्या तुम्हें लड़ाई नहीं होती? क्या तुम एक दूसरे की बातें नहीं करते? ऐसा ही लिखा है बाइबल में, पौलुस ने अगले वचन में यही लिखा हुआ है। कहते क्या तुम्हें लड़ाई नहीं होती? यदि तुम्हें डाह है, तुम्हें लड़ाई है, या तुम्हें झगड़े है, या तुम एक दूसरे की कानाफूसी करते हो, तो जान लीजिए कि तुम शारीरिक हो। क्योंकि आत्मिक बंदा आत्मिक बातों की धुन में रहता है और शारीरिक आदमी शारीरिक धुन में रहेगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम्हारे अंदर से बुरे विचार बाहर आएंगे। कुछ यीशु मसीह को आके पूछते हैं, है ना, खाना सही है, वो खाना सही है, ये खाना, वो एक ही बात करते हैं। जो तुम्हारे मुंह से पेट में जाता है वो संडास से बाहर, पर जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। लोग मीट खाने से हम पापी हो जाएंगे, हम थूम प्याज खा लेंगे तो हम पापी हो जाएंगे, हम ये वाला खाना खा लेंगे तो पापी हो जाएंगे, वो वाला खाना खा लेंगे तो पापी हो जाएंगे। काका परमेश्वर तुम्हें पक्षियों का सा पूछेगा नहीं तो स्वर्ग में, तो ना तुम्हें पूछेगा तुमने किसाई की दुकान से कितना किलो चिकन खाया। ये खाने से तुम पापी नहीं होते, वो तुम्हें एक ही बात पूछेगा, तूने मेरे वचन पे कितना विश्वास किया, कितना वेट है तेरे विश्वास में बता मुझे। इसी बात को लेके वो आपको पूछेगा, क्या तुमने मेरे वचन पे विश्वास किया? आप अपनी बड़ी परेशानी लेके मेरे पास आते हैं, मैं तो भी आपके सामने वचन ही रखता हूं। कुछ लोग रो रहे होते हैं, मेरे बच्चे गुम है, मेरे परिवार के लोग गुम है, मेरे ये गुम है, मेरे को। यदि तुम्हारे घर के लोग गुम ना होते तो तुम चर्च में नहीं आते और ना तुम वचन सुनते। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे तक है, मेरा मकसद कुछ और है। अगर जहां मुर्दा भी जिंदा हो जाए मेरी खुशी नहीं होने वाली, शायद वो मुझ में घमंड पैदा कर दे टाइम के बाद कि हाँ मैंने प्रार्थना की मुर्दा जिंदा हो गया। पर मैं इससे भी ऊपर किसी चीज को ढूंढना चाहता हूं। यीशु मसीह जी, मैंने लास्ट संडे भी कहा था, यीशु मसीह जी जैसे सूली चढ़ना था, यीशु मसीह को यह भी पता था कि मैंने तीसरे दिन जिंदा करना। यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा और फिर तीसरे दिन जलाया जाएगा, लिखा है। इस मंदिर को डाल दो से मैं तीन दिन में खड़ा करता हूं। यीशु मसीह को पता था कि मैंने तीसरे दिन जिंदा होना है, और जिंदा होने से पहले इतना बड़ा काम, किसी को जिंदा करने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह इतने हलीम नहीं हुए। जब उन्होंने खुद को जिंदा करना था, उन्होंने चेलों के पैर धोए और हलीम हो गए, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। और जब हम संडे चर्च आते हैं, हम किस मकसद के साथ चर्च आते हैं? क्या लेने के लिए चर्च आते हैं? मैंने एक बात कह दिया, वचन में एक बात लिखी है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अंधे की आंखें खुली थी, अंधे ने जैसे ही अंधे की आंखें खुली, अंधे ने अपनी आंखों के सामने क्या देखा था? यीशु मसीह को। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखें खोलो। अब नहीं, मैं तो देखता हूं, इसे देखना नहीं कहते। आत्मिक आंखें खोलो ताकि तुम यीशु मसीह को देख सको।
हालेलुया। हालेलुया।